जी हाँ फ्रेंड्स, YouTube के न्यू अपलोडर का ट्यूटोरियल मैं आपको फुल 6 मिनट में देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पीसी पे YouTube ओपन कर लिया है और अपलोड वीडियो पे कर दिया है क्लिक। उसके बाद आपको न्यू अपलोडर पे जाके अपनी फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी होती है। मैं आपको न्यू अपलोडर में अपलोड कैसे करते हैं बताऊंगा। ऊपर से अगर आप चाहें तो क्लासिक में भी जा सकते हैं। जो आपके पास पहली स्क्रीन आई है वो आपके नॉर्मल अपलोडर जैसी ही होती है। टैग्स, टाइटल, थंबनेल, प्लेलिस्ट, ये सब आपको डालना होता है, तो वो तो आप नॉर्मली डाल लीजिए। मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू अपलोडर है ये बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हैं इसमें, जो पुराने अपलोडर में नहीं थे। अभी भी कुछ लोगों को नए अपलोडर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यूट्यूब ने पुराने अपलोडर का भी ऑप्शन अभी तक रखा हुआ है। अगर आपको दिक्कत आ रही है फिर भी, तो आप वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। इस न्यू अपलोडर में बहुत सारे फीचर्स हैं। आप पहले ही वीडियो में एंड स्क्रीन और आई बटन में वीडियोस डाल सकते हैं, जो कि पहले अपलोडर में नहीं था। मैं आपको पहले, अभी हम पहले पे हैं तो डिटेल्स अभी हम भर रहे हैं। उसके बाद हम वीडियो एलिमेंट्स पे जाएंगे, आपको ऊपर 3 नंबर दिख रहे होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम विजिबिलिटी पे जाएंगे, मतलब ये वीडियो किस किस को दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से टाइप कर दिया है, आप भी अपना डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख लीजिए। और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसे हमें फिल करना है। जैसे कि अभी थंबनेल का ऑप्शन आया है, तो थंबनेल हमें लगा देना है। आप अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए, और हाँ, थंबनेल की फाइल सेलेक्ट करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। और जो फ़ोन यूज़र्स हैं वो अगर अपलोड करते हैं फ़ोन से कोई भी वीडियो, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सारे ऑप्शन सेम है। बस अगर आप क्रोम डाउनलोड करके उससे अपलोड करें अपनी यूट्यूब वीडियोस तो बहुत अच्छा रहता है। तो क्रोम डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपको 3 डॉट के ऑप्शन पे जाके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद youtube.com पे जाके जैसे आप करते हैं वो कर देना है। उसके बाद नीचे आपको, जैसे मैंने मोर ऑप्शंस पे क्लिक किया, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ गए। अगर आप पेड प्रमोशन देखना चाहते हैं तो ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ नीचे एक टैग्स का ऑप्शन है। टैग्स फ्रेंड्स वो होते हैं कि जो भी आदमी हमारी वीडियो को किस किन तरीक़ों से सर्च करेगा तो हमारी वीडियोज़ आएंगी, मतलब दूसरी वीडियो से हमारी वीडियो को रिलेट करते हैं। ज़्यादातर व्यूज़ हमारे वीडियो के इसी से हमें मिल जाते हैं, तो ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। जो ऐप्स आती हैं टैग्स के लिए उनका आप यूज़ ना करें, आप खुद ही बना के डालें टैग्स। नीचे आपको दिखा होगा, अगर आप सेपरेट वैल्यू में कॉमा इंसर्ट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आपको टैग्स लिख देना है। ऊपर आपने पेड प्रमोशन का देख ही लिया, अगर आपको पेड प्रमोशन कोई है आपकी वीडियो में तो आप वो टाइप, मतलब टिक कर दीजिए उस पर। और फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियोस किड्स के लिए या बच्चों के लिए है तो ऊपर आप इसी अपलोडर का यूज़ करें तो मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप बच्चों के लिए कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप इसी अपलोडर का यूज़ करें, पुराने अपलोडर को आप भूल जाएं। अब कुछ दिनों में ये भी हो सकता है कि पुराना अपलोडर ना रहे, तो फ्रेंड्स नया अपलोडर सीख लीजिए आप भी अपलोड करना। तो यहाँ मैंने अपने टैग्स टाइप कर दिए हैं, देख लीजिए आप। इतने ज़्यादा टैग्स भी टाइप नहीं करने चाहिए, जैसे मैंने इतने सारे कर दिए हैं, थोड़ा बहुत कर लीजिए आप। ऊपर अगर आप की लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो ऊपर आपके टैग्स पे रेड आइकन आ जाएगा या आपकी लिमिट टैग्स की ख़त्म हो चुकी है। जैसे डिस्क्रिप्शन में हमें 1000 अल्फ़ाबेट्स की लिमिट मिलती है, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। नीचे आपको अपनी लैंग्वेज मिलेगी और कॉपीराइट स्ट्राइक का ये सब मिलेगा आपको। उसके नीचे आपको रिकॉर्डिंग की डेट मिलेगी, उस पर आपको सिंपली 17 पे नीचे ब्लू आइकन पे क्लिक कर देना, आपकी डेट फिक्स हो जाएगी। आप इसमें अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं, जैसे मैं रोहतक में हूँ, अभी रोहतक हरियाणा में डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये डाल दिया। उसके नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड लाइसेंस है, एलओ एम्बेडिंग, ये पब्लिश सब्सक्रिप्शन, ये देखिए आपकी कैटेगरी भी आ जाएगी। और यहाँ से आप कमेंट्स को भी देख सकते हैं, डिसलाइक आप प्राइवेट करना चाहते हैं नहीं। उसके बाद आ जाइए अब वीडियो एलिमेंट्स पे। यहाँ आप वीडियो पोस्ट होने से पहले ही इंड स्क्रीन और कार्ड्स लगा सकते हैं, मतलब आई बटन में वीडियोस लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इंड स्क्रीन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं दिखाने वाला हूँ कैसे लगाते हैं, तो आई बटन में जाके देख लीजिए। इसमें इंड स्क्रीन लगाना बहुत ही ईजी होता है, पहले से ही आप लगा दिए। मैंने डिस्कार्ड कर दिया, मेरे को नहीं लगानी इंड स्क्रीन। अब कार्ड्स पे आ जाइए, कार्ड्स पे हमने ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया है, और उसके बाद कार्ड्स हम लगा सकते हैं। कार्ड्स पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे आई बटन में जाके देख लीजिए। पहले हमें ऐसा होता था, वीडियो प्राइवेट करके फिर कार्ड्स लगा के इंड स्क्रीन लगा के हम करते थे। नीचे आपको कार्ड्स पे एडिट का बटन दिख रहा है, आप चाहें तो उसे वापस एडिट भी कर सकते हैं।
अब विजिबिलिटी पे ये वीडियो आपको किस किस को दिखेगी, ये प्रीमियर है या क्या है, उसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट सब कुछ फिल करके नीचे पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। मेरा पब्लिश का बटन दिख नहीं रहा है पर है, वैसे है नीचे ही। अब यहाँ पे आपको शेयर मेथड्स आ गए, कहाँ कहाँ पे आप अपनी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कट कर दीजिए, आपकी वीडियो को अपलोड हो जाएगी। फ्रेंड्स, यही था न्यू अपलोडर में वीडियो अपलोड करने का तरीका।